खबर कवरेज करने गए पत्रकार पर चौकी के बाहर जानलेवा हमला। बरेली जनपद के थाना नवाबगंज में ये मामला है, जहां आपको बता दें कि नवाबगंज से सटे गांव रिछौला के फातुल्लाह के रहने वाले पत्रकार रियाज गुड्डू अंसारी नवाबगंज से वापस जाते हुए अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में रिछौला पुलिस चौकी पर भीड़ देखकर वहां रुक गए कि कोई खबर तो नहीं है जिसे वहां कवरेज कर सके। जैसे ही खबर कवरेज करने के लिए पीड़ित पत्रकार ने अपना कैमरा निकाला, वीडियो अपने कैमरे में कैद करना चाहा, वीडियो बनाने पर एक पत्रकार के साथ जमकर अभद्रता की गई। इतना ही नहीं, जब पत्रकार ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। पीड़ित पत्रकार के चेहरे पर भी चोटें आई हैं। आरोप है कि पुलिस के पहुंचने पर पुलिस से भी सत्ता की हनक में बदसलूकी की गई। पत्रकार ने थाने में नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं एक तरफ योगी सरकार पत्रकारों के हित के लिए बात करती है, उनके मान सम्मान उनकी सुरक्षा की बात करती है कि किसी पत्रकार का उत्पीड़न ना हो, तो वहीं एक पत्रकार को पुलिस चौकी के सामने मारा पीटा जाता है, उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है। वहीं पीड़ित पत्रकार ने भाजपा नेताओं पर नशे के दौरान हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पत्रकार ने यह भी बताया है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह थाने के सामने आत्महत्या कर लेगा। बरेली से शरद सक्सेना की रिपोर्ट। गलत बात हरीश भाई, पत्रकार आप हमला करेंगे, आप हमला करेंगे पत्रकारों के ऊपर, हमला करेंगे आप बचाया ना, हमला करेंगे आप बचाया हमला करेंगे बिना वजह से मारा है, और मुझ पर आरोप लगा रहा है तो लड़की बकवाता है। बात करो, ये मुझ पर आरोप लगा रहा है कि लड़की बकवाता है। मैं यहाँ पर, यही बीजेपी वाले कुछ लोग हैं यहाँ पर। कितने लगाया आरोप? बीजेपी कहने वाले जो अपने आप को कहते हैं बीजेपी के, ये मेरी शर्ट फटी हुई है। ये मैं यहाँ पर सिर्फ कवरेज करने के लिए आया था, जिसको लेकर ये भीड़ जो है कह रही है तू लड़की बकवाता है। मैं खबर कवरेज करने के लिए आया था, तौफीक भरिया भारत सरिया सीमेंट की दुकान पे, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो लोड करा रहा था, और इन्होंने ये देखिए मेरी शर्ट फाड़ दी। कौन है वाले? अरे कोई तो मेरे साथ में हुआ, मैं लेकर जाना चाहेंगे चौकी पर। क्या मामला था, क्यों आप गए थे और क्यों मारपीट किया? देखिए मारपीट नहीं हुई मेरे साथ, एक्चुअल में मेरे साथ ऊपर हमला हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं नवाबगंज से जब अपने गाँव रिछौला के फैतुल्ला जा रहा था, तो रास्ते में चौकी पड़ती है मेरे गाँव में रिछौला के फैतुल्ला में, तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। मैंने ये सोच के वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक लिया कि कई बार वहाँ पे डेड बॉडियाँ आती हैं, मृत डेड बॉडियाँ आती हैं ना पोस्टमार्टम के लिए, तो मैंने सोचा शायद पोस्टमार्टम के लिए कोई डेड बॉडी जाती होगी, इस वजह से मैंने वहाँ पे बाइक रोक दी। और जब मैं आगे बढ़ा बाइक रोक के, तो मैंने देखा कि एक लड़के को, एक युवक को बुरी तरीके से कुछ लोग मार रहे थे। जब मैंने उनसे जानकारी ली कि क्यों मार रहे हो, इतने में मैंने कैमरा भी नहीं निकाला था विजुअल बनाने के लिए, उनको ऐसा लगा शायद कि शायद ये हमारी वीडियो बना लेगा, जिसकी वजह से उन्होंने एकदम बिना पूछे गछे कि अपनी आईडी दिखाओ, तुम पत्रकार है, ये वो है, ये क्या किस तरीके के। तो मैंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे वो, तो मैंने कहा देखिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, थोड़ा भाषा शैली संभाल के बात कीजिए आप। तो मैंने यही बात बोली थी, जिसको लेकर वो उग्र हो गए। और पहले तो एक शख्स ने धक्का मारा जो रिछौला के फैतुल्ला का एक डॉक्टर नाम का, एक पता नहीं क्या नाम है, डॉक्टर प्रेमपाल, शायद प्रेमपाल ही नाम है, मैं उसके नाम से अब नहीं जानता हूँ ज़्यादा, लेकिन डॉक्टर कहते हैं उसको, वो पुलिस का काम है क्या करेगी आगे। कितने लोगों का आप जानते हैं? देखिए जो हमला करने वाले थे, वो मेरे ऊपर हमला करने वाले 4 से 5 लोग थे, लेकिन भीड़ वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में थी, और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी हो रहा था, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको बता दूं, कोई लड़की का कोई मामला था जिसका मुझे पता नहीं था। अब ये लड़की के मामले को लेके उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। मुझे ये पता लगा था कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी है शायद, तो मैं इसका विजुअल बना लूँ, ये मामला था। जब आप पर हमला किया गया तो पुलिसकर्मी चौकी पर थे नहीं? नहीं, उस समय पुलिसकर्मी नहीं थे, लेकिन जैसे ही जब मुझ पर हमला हो गया, मेरी शर्ट फट गई, ये देख सकते हैं मेरे ऊपर मेरी शर्ट फटी हुई है, जैसे ही सूचना मिली पुलिस तुरंत आ गई थी, तो पुलिस के साथ भी नोकझोंक इन लोगों ने की है, तथाकथित बीजेपी कहने वाले जो लोग थे, दबंग किस्म के गुंडे कह लीजिए एक किस्म से, वो लोग थे और मुझे जानते भी हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने, मैंने अपनी पहचान भी बताई, उसके बावजूद भी वो मुझ पर हावी हो गए कि एक मोमनन कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, इस तरीके से मुझ पर हावी हुए। मैं एक तरफ मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी